गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात भाग 1। मेरा नाम निशि अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि कभी कभी प्राकृतिक परिघटनाएं, तूफान, चक्रवात, तड़ित झंझा आदि आ जाते हैं, इनके क्या कारण होते हैं और इस समय हमें अपना बचाव कैसे करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यही हम इस अध्याय में समझेंगे। शुरू करें। पवन, तूफान और चक्रवात, ये सभी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। ये परिघटनाएं कभी कभी इतनी विनाशकारी हो जाती हैं कि इन परिघटनाओं से लोगों को बहुत नुकसान होता है। जैसे उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था। चक्रवात ने लोगों के साथ साथ कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को भी प्रभावित किया था। बच्चों, 18 अक्टूबर 1999 को चक्रवात ने उड़ीसा में बहुत नुकसान हुआ था। बहुत से भवन गिर गए थे, बिजली सप्लाई रुक गई थी। तो ये सब हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। चक्रवात आने की संभावना तटीय प्रदेशों में जैसे चेन्नई, केरल, मैंगलुरु या मैंगलोर में ज़्यादा होती है। बच्चों, चक्रवात जो है तटीय प्रदेशों में जो समुद्र के पास होते हैं वहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे चेन्नई है, केरल है, ये सब समुद्र के तट पर हैं। पवन, बच्चों अब हम समझेंगे कि पवन क्या होती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। बच्चों अब हम समझेंगे कि वायु भी दाब डालती है। वायु दाब डालती है, इसे हम एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। प्लास्टिक की एक बोतल लेंगे और उसे लगभग आधा
गर्म पानी से भरेंगे, उसको तत्काल कसकर बंद कर देंगे और फिर बोतल को ठंडे पानी में रखेंगे। हम देखेंगे कि बोतल पिचक जाती है, क्योंकि जब बोतल पर पानी डाला जाता है तो बोतल के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे बोतल के भीतर की वायु का दाब बोतल के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण बोतल पिचक जाती है। बच्चों, जब इस बोतल को ठंडे पानी में रखा तो बोतल के भीतर वायु दाब कम हो जाता है और बाहर वायु दाब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बोतल पिचक जाती है। ठीक है बच्चों, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। बच्चों, इसे भी हम एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद बनाएंगे। गेंद को मुख के पास रखकर फूंक मारेंगे तो यह बाहर आ जाती है, क्योंकि फूंक मारने पर मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, इससे वहां वायु दाब घट जाता है, बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक होने के कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। बच्चों, इस प्रयोग को आप स्वयं करके देखना। क्या करना है आपको? एक प्लास्टिक की बोतल लोगे और एक कागज की बोतल के मुख के नाप की एक गेंद बनाएंगे और उस गेंद को बोतल के मुख पर रखेंगे और फिर फूंक मारेंगे। फूंक मारने पर ये गेंद अंदर नहीं जाती। कहाँ आती है बच्चों? बाहर आ जाती है। ये बाहर क्यों आती है? क्योंकि जब हम फूंक मारते हैं तो यहाँ पर वायु का वेग ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर दाब फिर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जबकि भीतर दाब अधिक होता है, इसलिए अंदर की वायु
गेंद को बाहर धकेल देती है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। बच्चों, पवन का ये एक विशेषता होती है कि यह हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से किधर जाती है? कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर। ठीक है बच्चों, वायु दाबों के बीच जितना अंतर अधिक होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है, तो वह हल्की प्रतीत होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। बच्चों, पवन धाराएं क्यों बनती हैं? पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण। इसे अब हम आगे समझेंगे। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है। बच्चों, ये भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसके कारण यहाँ वायु गर्म हो जाती है और ये ऊपर की ओर उठती हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी वायु इसका स्थान लेने के लिए चलती हैं। ठीक है बच्चों, इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी के सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण बनती हैं। ठीक है बच्चों, ग्रीष्म काल में वायु का बहना। बच्चों, अब हम समझेंगे कि थल समीर और समुद्र समीर क्या होती हैं।
ग्रीष्मकाल में थलीय क्षेत्र अर्थात जमीन वाला क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, यह मानसून पवन होती है। देखो बच्चों, इस चित्र में जब थल या जमीनी क्षेत्र ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वायु ऊपर उठती है और फिर समुद्र से ठंडी हवाएं इसका स्थान लेने के लिए थल की ओर चलती हैं और ये अपने साथ नमी लाती हैं, वर्षा लाती हैं, इसीलिए मानसून पवने कहलाती हैं। शीतकाल में वायु का बहना, शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है अर्थात वह थल से समुद्र की ओर बहती है। बच्चों, शीतकाल में पवन की दिशा विपरीत हो जाती है, गर्मियों में समुद्र से थल की ओर चलती हैं, लेकिन सर्दियों में थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब हम समझेंगे कि तड़ित झंझा क्या होता है। बच्चों, तुमने देखा होगा जब बारिश होती है तो गरजना होती है और बिजली भी चमकती है, तो यह तड़ित झंझा कहलाता है। ये कैसे होता है? ऊपर से गिरती हुई जल की बूंदे और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली या तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे तड़ित झंझावात कहते हैं। बच्चों, ऐसे में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये अब हम समझेंगे। इसमें हमें वृक्षों के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए, कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। तड़ित झंझावात के समय हमें बाहर नहीं रहना चाहिए बच्चों, हमें इमारत में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? चक्रवात, बच्चों अब हम समझेंगे कि चक्रवात क्या होता है। कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की
तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। इसमें तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा भी होती है, जैसे हरिकेन, टाइफून आदि। ये सब बच्चों चक्रवात के नाम हैं। चक्रवात क्या होते हैं बच्चों? जब एक क्षेत्र में कम वायुमंडलीय दाब हो जाता है तो उसके चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी बहती है, इसको हम चक्रवात कहते हैं। कभी कभी इसमें तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा भी होती है। ठीक है बच्चों, चक्रवातों की पूर्व सूचना। बच्चों हमें रेडियो समाचार पत्र द्वारा पहले से ही पता लग जाता है कि चक्रवात आने की संभावना है। तो ये हमें कैसे पता लगता है? उपग्रह और राडार के द्वारा। उपग्रहों और राडार की सहायता से चक्रवात आने से पूर्व सूचना दे दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए कि ऐसे समय में हमें बाहर नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, अब पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। भाग दो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब आप इस वीडियो को देखना, दोबारा से मुख्य बिंदुओं को समझना और याद भी करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।